अदी, ओके फाइन, अगर तुम मुझे इतना ही समझ पायो देन फाइन, मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना। तो मैंने क्या गलत कहा? नहीं, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैंने जो किया वो तुम्हें गलत लगा, लेकिन जो जय ने किया क्या वो सही था? क्या जय सेल्फिश नहीं था अदी? उसने मुझे उम्मीदें दिखाई है, मुझसे और रितिका से एक साथ प्यार किया है, मैं और रितिका एक साथ उसका इंतजार करते थे, क्या वो सही था? तुम मत समझते क्या हो अपने आप को। तुम कुछ भी करो, कुछ भी कहो, वो सब सही, और अगर हम औरतें आवाज उठाए तो वो सेल्फिश। बात आवाज उठाने की नहीं है कुकु, और मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम गलत वक्त पे आवाज उठाती हो, सामने वाले की फीलिंग्स की जरा भी परवाह नहीं करती। मैं परवाह नहीं करती? मैं दूसरों की फीलिंग की परवाह नहीं करती? शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं ऐसी ही हूं, मैं किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं करती। आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो। तुम सोचो कुकु, जय को तुमने अपने घर बुलाया, उसकी इंसल्ट की, ये कहां की तमीज है? हाँ, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर गई थी, अपने इमोशन में ज्यादा बह गई थी, आई फील, बट मैंने इसके लिए जय से माफी भी मांगी। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है, तुम्हारे मन में जो था तुमने कह दिया, तुमने अपनी भड़ास निकाल दी, लेकिन अब क्या, जो हो गया सो हो गया, अब तुम्हें मुझसे दोस्ती रखनी है नहीं, से यस और नो? ऑफ कोर्स रखनी है, और नहीं तो क्या, तभी तो मिलने आया हूं तुमसे, तुमसे नहीं मिलता तो और क्या करता मैं? गॉड, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। यू नो समथिंग, दिस इज द प्रॉब्लम विथ यू गाइस। वैसे तो बड़े शेर बने घूमते हो, और जहां हम औरतों ने आवाज उठाई भीगी बिल्ली बनकर हमारे पीछे आ जाते हो। ओके मिस बिल्ली रानी, तुम जीती मैं हारा। अब ये बताओ कि खाने में क्या ऑर्डर करें? क्या खाओगे? तुम्हारा दिल। अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी, ये बिन बुलाई आफत कहां से आ गई? तुम्हारी बेटी है, नाक में दम कर देती है। तुम्हारी भी तो है। अब वो मेरे हाथ में रही कहां? तुमने उसे शह जो दे रखी है। तुम देने दो तब ना, ये सारा बखेड़ा तुम्हारा शुरू किया हुआ है। क्या मतलब? मैंने क्या किया? और नहीं तो क्या, ना तुम उसे शादी के लिए प्रेशर डालती, ना ये सब होता। शादी के लिए प्रेशर नहीं डालती तो क्या करती? जिंदगी भर उसको घर पर कुंवारी बैठाए रखती? एक तो मैंने इनिशिएटिव लिया, इतना अच्छा लड़का ढूंढा, सब कुछ काम किया, और फिर मुझे इल्जाम दे रहे हो? इल्जाम की बात नहीं है मामा, अब खुद ही सोचो आपने क्या किया है, आरती को कितना प्रेशर में डाल दिया। मामा, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही लड़का था शादी करने के लिए। आरती वांटेड टू स्टडी फर्दर, उसका कोई हक नहीं बनता। मामा तुम चुप रहो मिली, तुम्हारे एक्सपर्ट कॉमेंट्स किसी ने नहीं मांगे। ठीक है मामा, नहीं दूंगी मैं अपने एक्सपर्ट कॉमेंट्स, पर आरती अब तक घर नहीं आई है। मामा उसके लिए तो चिंता होगी ना, या फिर उसके लिए भी चुप रहना पड़ेगा? ये मेरा घर है और मैं अपने घर में कुछ नहीं बोल सकती। लिसन मामा, व्हाट इज रॉन्ग अब ना ही जबरदस्ती करती और ना ही ये सब होता। यू शट अप मिली, तुम्हें मालूम नहीं इन सब के पीछे कौन है? कौन है? मंजू। ना ही वो अपने बेटे को इतना छूट देती, ना वो आरती पर इतने डोरे डालता, और ना आज हमें ये दिन देखना पड़ता। ना जाने कब की दुश्मनी निकाल रही है। इतनी अच्छी तरह से मैंने अपनी बेटियों को बड़ा किया था, और इस मंजू ने एक ऐसा खेल खेला कि सब तबाह हो गया। इतने सालों की दोस्ती का लिहाज तक नहीं किया। अगर आरती को कुछ हो गया तो मैं उस मंजू को छोड़ूंगी नहीं। लेकिन आरती, आरती है कहाँ? कहाँ है मेरी बेटी? पता नहीं मॉम को क्या हो गया है, क्यों मेरे पीछे पड़ी है वो? किस बात को लेकर? मेरी मॉम ऐसा कर सकती है? I could have never imagined. Gosh, this is ridiculous. देखो आरती, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कभी कभी किसी तीसरे इंसान को बताकर मन हल्का हो जाता है, बट इफ यू डोंट वॉन्ट टू टेल तब भी ठीक है, बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो
दैट आई एम देयर, और अगर तुम बताना चाहो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ. अच्छा टेल मी, डू यू वांट टू हैव समथिंग कोल्ड ड्रिंक? नहीं कुछ नहीं, बस तुम यहीं रहो, कहीं मत जाओ. अच्छा रिलैक्स, आओ बैठो, बैठो मेरे पास. मेरी माँ मेरी शादी कर देना चाहती है. पर क्यों? आई डोंट नो, वो बस रट लगाए बैठी है कि एक उम्र होते ही लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए, पर ना आगे जाकर लड़के नहीं मिलते. एक अच्छा रिश्ता आया है तो बस वो चाहती है मैं उसी से शादी कर लूं. लेकिन मॉम इतनी जिद्दी है कि किसी की नहीं सुनती. गॉड हाउ आई हेट हर फॉर दिस. और तुम क्या कर रही थी वहां? हां मेरा मतलब है इतनी रात को अकेले सड़क पर तुम कर क्या रही थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? आई डोंट केयर, एटलीस्ट मॉम को तकलीफ होती ना, तब उन्हें पता चलता मेरी अहमियत क्या है. उन्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं. कम ऑन आरती, शी इज योर मदर, उन्हें फिक्र है ना तुम्हारी? बिल्कुल नहीं है. अगर मेरी फिक्र होती तो मुझे इस तरह प्रेशराइज नहीं करती उस लड़के से मिलने के लिए. अरे उन्होंने तो उसे घर भी बुला लिया. गॉश दैट्स कंप्लीट मैडनेस. मैं अभी शादी कर लूं? नेवर. मैं घर वापस नहीं जाऊंगी. ओके ओके रिलैक्स, अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ, पर अगर तुम चाहो यू कैन स्टे हियर मेरे पास फॉर एज लॉन्ग एज यू फील लाइक. नो फॉर्मेलिटीज एंड जस्ट फील एट होम. ओके? नहीं रोमा थैंक्स, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रह सकती. आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू. मैं किसी फ्रेंड के यहाँ चली जाऊंगी. तो ठीक है ना, जब तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन होगा तब तुम चली जाना, बट एज ऑफ नाउ इतनी रात को तुम कहीं नहीं जाओगी. देखो तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है. नो मोर प्लीज, जस्ट स्टे हियर. ओके? आर यू श्योर? रियली रोमा, मैं सिर्फ एक रात रहूंगी. ओके ओके रिलैक्स, अभी तुम कुछ खा पी लो. यू नो ना फूड इज अ ग्रेट मूड बस्टर. ओके? हेलो, कौन बोल रहे हैं? मंजू, मैं टीना. टीना, इतने दिनों बाद तूने फोन किया है, कैसी है तू? बस ठीक हूँ. आजकल तो तुझे खूब टीवी पे देख रहे हैं, काम कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है. टीना क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ वो क्या है मंजू, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अभी. अगर तुम बिजी नहीं हो तो मिल सकते हैं क्या? ऑफकोर्स, कब आना चाहोगी? दोपहर में, खाने के आसपास. इज दैट ओके? ऑफ कोर्स इट्स ओके. अच्छा एक काम करते हैं, लंच भी खाएंगे और बातें भी करेंगे साथ में. ओके? ओके, थैंक्स सो मच, बाय. बाय. हेलो. हाय मंजू, क्या कर रही है? पिक्सी, अरे तेरी आवाज को क्या हुआ, ऐसी मरी मरी सी क्यों साउंड कर रही है? सब कुछ ही गड़बड़ हो रहा है. मंजू कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को खुशी कभी मिल ही नहीं सकती. चुप पगली, ऐसे नहीं बोलते. अच्छा व्हाई आर यू सो डिप्रेस्ड? एक काम कर तू, इधर आ जा, टीना भी आ रही है, वी विल हैव लॉट्स ऑफ फन. कल मुझे रोन के स्कूल जाना है तो उसके बाद आ जाती हूँ, ठीक है? पर हुआ क्या है तुझे पिक्सी? अभी कल मिल रहे हैं तो कल ही डिटेल में बात बताते हूँ ना, ठीक है? ओके बाय, आई विल सी यू. हाँ बाय बाय. विकी, चला मेरे कैबिन में आना बेटा. बैठो. पापा, लास्ट वीक के जो प्रपोजल आया आप इस पर स्टडी कर लीजिए. बात ये नहीं है बेटा. पापा वैसे कल भी ये नहीं है, इट्स समथिंग एल्स. क्या बात है? विकी, इट्स समथिंग पर्सनल. ऑफिस में सिर्फ काम की बात की जाए ये जरूरी तो नहीं. बात क्या है पापा, बताइए ना.
विकी, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा. इट्स अबाउट दैट न्यू फ्रेंड ऑफ योर्स, तुम्हारी नई दोस्त. क्या नाम है उसका? शिवली. हाँ है, तो क्या बात है? विकी, मुझे पता चला है कि तुम उसे पसंद करते हो और शायद वो भी तुम्हें पसंद करती है. यू बोथ लाइक ईच अदर्स कंपनी. तो आपको पता चली क्या? मुझे लगा कि आपको बाप हो तुम्हारा, नहीं पता चलना चाहिए. नहीं, वो बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था कि सो बोथ ऑफ यू लाइक ईच अदर. दो तीन मुलाकातों में बात यहां तक पहुंच गई. ये घाव नहीं, पूरा गड्ढा कर डाला है. लगता ही नहीं कि किसी इंसान ने काटा है. हॉस्पिटल ले जाके इंजेक्शन लगवाने पड़े. प्रिंसिपल साहब, आपको तो ऐसे बच्चे को स्कूल से निकाल देना चाहिए. आज काटा है, कल कुछ और करेगा. एक्सक्यूज मी सर, आई एम सॉरी. मैंने एक्चुअली बिंदु की बात सुन ली थी बाहर से. मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि रोहन ने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं पीटा, बस उल्टा चोट तो इसको लगी है सर. तो फिर ये क्या है? ये घाव तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या? बिंदु दिख रहा है, पर रोहन ने ये नहीं किया सर. ये किसी को छूता भी नहीं है. बच्चे का ट्रैक रिकॉर्ड होता है ना, आज तक मुझे ऐसी शिकायत नहीं मिली है इसके बारे में. तो रोहन झूठ बोल रहा है? वहां पर जो बच्चे थे जिन्होंने देखा उसको मारते हुए, वो झूठ बोल रहे हैं? प्रिंसिपल साहब, आप इसकी बात बिल्कुल मत सुनिए. जिस माँ के पास अपने बेटे के लिए टाइम नहीं है, उसे क्या पता? एक्सक्यूज मी सर, हम ये सब डिस्कस करने तो नहीं आए हैं यहाँ पे. मैं सिर्फ आपको इतना कह सकती हूँ कि टिंकू दूसरे बच्चों को जरूर खराब करेगा. पिक्सी, मेरे टिंकू के बारे में एक लफ्ज भी बोलने की जरूरत नहीं है. प्लीज प्लीज, ये स्कूल है, मेरा ऑफिस कोई मछली बाजार नहीं है जो आप लोग इस तरह से यहाँ चिल्लाए. रोहन, टिंकू, तुम बताओ उस दिन क्या हुआ था, किसने किसको काटा था या मारा था? मैं कह रहा हूँ ना, सब तेरा किया धरा है. तू अपने घर से पैसे चुराता है. पर सीखा तो तुझसे ही है ना. मेरा नाम क्यों ले रहा है? आई से कीप क्वाइट. तुम दोनों एक दूसरे पे बहुत इल्जाम लगा चुके हो. सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. झूठ तो ये बोल रहे हैं, उस दिन मैंने इसे कुछ काटा वाटा नहीं था, बल्कि बाद में इसने मुझे पत्थर मारा था. शैतान. शैतान होगा तू. आई से बोथ ऑफ यू प्लीज कीप क्वाइट, कीप क्वाइट. आप दोनों ने अपने बेटों को क्या शिक्षा दे रखी है? कैसी बातें करते हैं, कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं? मैं इन दोनों को आज आखिरी वार्निंग दे रहा हूं. इसके बाद मेरे पास इनकी कोई कंप्लेंट आई तो मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा. इज इट क्लियर? सॉरी सर, आई होप आज के बाद ये दोनों सुधर जाए. टिंकू की तरफ से भी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा. इट्स ओके. थैंक यू सर. आप ये सब कुछ सुनकर कुछ खुश नहीं दिखाई दे रहे. ऐसा क्या गलत काम कर दिया मैंने? देखो विकी, वजह मत पूछो. तुम्हारे लिए सिर्फ ये जानना जरूरी है कि मैं खुश नहीं हूं. पापा, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं. ट्रस्ट मी, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल. फिर आप मुझे कोई वैलिड रीजन तो दीजिए. नो, आई डोंट हैव टू गिव यू अ वैलिड रीजन विकी. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं अपने रिलेशनशिप्स अच्छी तरह हैंडल कर सकता हूँ. क्या मेरी पसंद नापसंद की कोई वैल्यू ही नहीं है? देखो विकी, तुम एक समझदार लड़के हो. And I'm sure that you respect what I say. So I want you to end this relationship. This relationship khatam karo. Okay? मैं सुन रहा हूँ आपकी बात. लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि मैं आपकी हर बात मानूंगा. गरम खून की आजमाइश मेरे साथ मत करो. तुम ये ऑफिस में काम करने आते हो, काम करो और सीखो काम को. फिजूल के चक्रों में मत पड़ो. तुम गोनो टीना. वैसे सूप ठीक है? ओह,
It's fabulous, Manju. It's my favorite. इतने दिनों बाद दर्शन दे रही है तो तेरा फेवरेट तो बनाना ही था ना. और मुझे पता चला है कि आजकल तुम कैलोरी कॉन्शियस हो गई हो. हमारी टीरा स्टार बन गई है ना, तो स्टार के नखरे तो सहने ही पड़ेंगे हमें. हाँ प्लीज मंजू, अब तू भी मेरी टांग खींचने लगी है. मैं भी? मतलब और कौन कौन टांग खींच रहा है तुम्हारी? कोई भी नहीं, और शायद सब कोई. प्रॉबेबली मैं अपने आप को ही तंग कर रही हूँ. कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरा मतलब है सास ससुर के साथ सब ठीक है ना? नहीं मंजू, अब मैं उस प्रॉब्लम से परेशान नहीं होती. लेकिन जिस वजह से मैं उस घर में बहू हूँ उसी वजह से मैं दूर होती जा रही हूँ. यू मीन सुधीर? हाँ मंजू, पता नहीं सुधीर और मैं अब पहले जैसे नहीं रहे. We just not the same. कुछ रहा ही नहीं हम दोनों के बीच. अब ना वो मेरी सुनता है और ना मुझसे बात करता है. एक कमरे में दो अजनबी की तरह रहते हैं हम, like strangers. टीना, just relax. मुझे लगता है तू बहुत ज्यादा सोच रही है और बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट भी कर रही है सुधीर से. देख, just let him be for a while ना. उसके मन में भी बहुत कुछ चल रहा होगा ना. आफ्टरऑल उसकी जिंदगी में भी तो इतने उतार चढ़ाव आए हैं आजकल. उस दिन मैथिली के यहाँ भी सिर्फ टेंशन ही टेंशन था. गए थे सेलिब्रेट करने बट वी एंडेड अप फाइटिंग. घर आके झगड़ा करने लगे. पता नहीं मंजू, आई रियली डोंट नो कि मुझ में कमी क्या है. ओ टीना, तू ये सब अपने पे क्यों ले रही है? देख, अगर तू किसी आदमी के साथ दोस्ती रख सकती है तो क्या सुधीर लड़की के साथ दोस्ती नहीं रख सकता, सिंपली एज फ्रेंड्स? तू इतनी टेंस मत हो इस बात को लेके. मनु और मेरी बात देख, वो रेवा के साथ लाख दोस्ती रखे. इनफैक्ट मनु तो उसके घर जाके रहा भी है, पर फिर भी वो मेरा पति है ना, वो मुझे नहीं छोड़ेगा. आई बिलीव इन आवर मैरिज एंड इन मनु. इतना आसान नहीं है सब सोचना मंजू. जब मैं मैथिली और सुधीर को देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मैं कहीं फिट ही नहीं होती. टीना, तू इस तरह क्यों सोच रही है? देख, तेरे पास कोई सबूत तो नहीं है ना कि उनके बीच में कुछ, मेरे मतलब है कुछ चक्कर है? नहीं है ना कोई सबूत? सो जस्ट लेट इट बी, जस्ट लेट हिम बी राइट नाउ. ही विल बी ओके आफ्टर दैट. मैं तेरे जैसे नहीं हूँ मंजू. तू मेरे जैसी मत बन, तू टीना ही रह. देख, थोड़ी स्पेस दे अपने आप को और सुधीर को भी. मनु के और मेरे एक्सपीरियंस से सीख तू. अब मैं भी मनु को स्पेस दे रही हूँ, उससे कोई गिला नहीं है मुझे. गिला है तो रेवा से, उसने मुझे धोखा दिया है, मनु ने नहीं. ठीक है, मैं सोचती इस बारे में. आई थिंक आई एम रीडिंग टू मच इनटू इट, है ना? शायद तू ठीक कह रही है मुझे. थैंक्स अ लॉट. नितिश, कोई काम है? नहीं नहीं तो. सो इफ यू डोंट माइंड प्लीज बाहर वेट करोगे, मुझे कॉस्ट्यूम्स ट्राई करने. रिया, तुम इस कॉस्ट्यूम में बहुत अच्छी लग रही हो. यू लुकिंग कूल. और हमें एडमायर करने की भी इजाजत नहीं? दिस इज नॉट फेयर. एडमायर कर लिया ना. नाउ इफ यू डोंट माइंड प्लीज बाहर वेट करो, आई रियली हैव टू ट्राई दीज कॉस्ट्यूम्स. इतना बुरा लगता हूं मैं? नितिश, वो बात नहीं है. तुम प्लीज समझने की कोशिश करो. एंड यू कीप लुकिंग एट मी लाइक दिस, मुझे बहुत एंबैरस्ड फील होता है. नितिश प्लीज प्लीज बाहर वेट करो. रिया जी, आज आपको सिर्फ हम देखते हैं, कल लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, तब भी इसी तरह एंबैरस होगी. नितिश, तुम समझ नहीं रहे हो. नितिश प्लीज, मेरे आजू बाजू चक्कर काटना बंद कर दो, इट रियली बग्स मी. नितिश. यस सर. जाकर देखो प्रॉपर्टीज आ गई कि नहीं. सर, मैंने अभी चेक किया था, बस आती ही होंगी. सर, मैं कह रहा हूं ना, जाकर देखो, बाद में टाइम बर्बाद होता है. गो. यस सर.